गुड मॉर्निंग भाई, और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और आज थाई डे। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। थाड़ू डे, सो थाई के वर्कआउट के लिए रेडी है, वार्म अप कर चुका हूँ। और एक मिनट बंद करते हैं, वो दब गया भाई, इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। चल तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग की बड़ी फाड़ू शुरुआत है, क्योंकि थाई डे तो घर से ही मतलब मन में विचार बना के चलना पड़ता है। एक बार तो मन में आ रहा था कि नहीं, लेकिन वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी थाई, सो आज थाई का वर्कआउट करेंगे। वार्म अप मैं कर चुका हूँ, साइकिलिंग कर चुका हूँ 10-15 मिनट, स्ट्रेचिंग हो चुकी है। एंड एक मेरी सबको सलाह है कि तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। थाई जब आप करें तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है और बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं इसके। सो इसे आप ज़रा सा भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि आप इसमें अगर ज़रा सी भी छेड़खानी करेंगे ना, वार्म अप में, स्ट्रेचिंग में, किसी भी चीज़ में, तो नुकसान देगी ही देगी। सो दिल्ली का मौसम है बहुत प्यारा। एहे, रहा नहीं जाता, कतई दिल नहीं कर रहा था उठने का, तुम्हारी कसम। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, और स्ट्रेचिंग के बहुत सारे वे हैं, आप ज़रूर स्ट्रेचिंग करें। और थाई के लिए पहले लूँगा स्क्वाट, और स्क्वाट के 5 सेट्स एज ऑलवेज, 5 से 6 सेट लेता हूँ, और उसके बाद फिर लेग प्रेस, एक्सटेंशन, कर्ल, काप्स। सो मिलते हैं वर्कआउट में। सो एक खुशखबरी बताऊँ मैं आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी हम गोप्रो से शूट कर रहे हैं, और अभी शमशाद देख रहा था, कोई सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, सो आज कह रहा है कि कैमरा ले आएंगे, तो दैट विल बी गुड यार। मैंने कहा चलो मेरी तरफ से तुझे एक प्री वर्कआउट गिफ्ट, क्योंकि मजे तो हम भी लेंगे उसके। सो चलो वार्म अप सेट लेते हैं, और वार्म अप सेट 10 kg ईच साइड, एंड ब्रॉड लेग, वाइड लेग करके स्लोली डाउन, स्लोली अप। दस रेपिटेशन, मिलते हैं मेजर सेट्स पे, मजा आएगा। थाई कटे, सांस भी फूलेंगे, कुछ मुंह से भी निकल सकता है तो, लेकिन चैनल पे प्यार दे दीजिएगा। शमशाद की कल की फोटो आपने देखी, जिसने नहीं देखी है, वीडियो का लिंक आई बटन पे शो हो रहा है, जाके देख लीजिएगा। एक्चुअली 45 डेज में उबला हुआ आलू, अब विंग वो क्या बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पोटैटो फ्राई मिलते हैं ना, वैसा हो गया, डिमांडिंग हो गया है। सो अभी अपनी बारी है। तो भाई ऐसा अब है, ये लिया मैंने, देखो पहला वार्म अप, उसके बाद फर्स्ट, अभी सेकंड सेट है, तो अभी 3 और है बाकी। ए भगवान, एक, दो, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 भाई ऐसा है, अब है ये देखिए सेट, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, थर्ड सेट है, चौथा है, सॉरी थर्ड कह रहा हूँ, चौथा सेट है। अरे दिमाग मचड़ गया भाई, प्री वर्कआउट, मैं पागल हूँ। जय बाबा की यार, थोड़ी हंसी मजाक भी ज़रूरी है भाई, अरे सीरियस तो फिर हॉस्पिटल हो जाएंगे भाई। जय बाबा की, रेपिटेशन 6 से 8 है बस। साईश्वर, ओम, अब कुछ और हो रहा है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। भाई एक प्रॉब्लम हो जाती है, खत्म, कई बारी प्रॉब्लम हो जाती है। आप खोल लो चाहे, चलो एक बहुत बढ़िया, चलो दो, चलो 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 आगे आगे आगे, रखना नहीं है, अरे वो दिक्कत हो रही है, अरे नहीं होगी दादा, चलो शाबाश, 3 देखो देखो, बस आया आया, सही है, बस
साईश्वर आठ नौ दस भाई क्या बोला तूने? एक्सक्यूजेस एक्सरसाइज में देना गलत काम होता है, या तो करेंगे या तो कति नहीं करेंगे, लेकिन कर रहे हैं तो करेंगे। थैंक यू। तो भाई ऐसा है, अब है फाइनल सेट, और एक चीज़ दिखाओ, इधर आओ, ये देखो, ये बेल्ट के अंदर अब सुराख ख़त्म, इसमें छेद ही नहीं है अब इसके बाद। तो ये जब मैं करना स्टार्ट की थी, जब ये मेरे बहुत टाइट लगता था खींच के, और अब सुराख ही खत्म हो गया यार। तो मतलब अब ये ढीला, ये देखो, लेकिन सपोर्ट तो है, थाई का वर्कआउट है, तो दूसरा बेल्ट लाना पड़ेगा भाई। जय बाबा की। तो भाई लास्ट सेट है, एंड होप फॉर द बेस्ट कि आ जाए। ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं लेनी है। बूम, जय बाबा की। एक दो तीन ओम चार सपोर्ट लेकर आ जाएंगे और आओगे तो लगता नहीं है अभी सपोर्ट की इतनी खास नीड है। ओ बाय है लेग प्रेस, और इसके साथ मैंने छेड़छाड़ करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग और लेग प्रेस दोनों साथ लेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि एब्स की तैयारी चल रही है यार, फैट टू फिट सीरीज चल रही है। तो अभी वर्कआउट देखें आप, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। लाइट वेट है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करें भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइट वेट है इसलिए मैंने एक पैर से कर लिया, इंजरी की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। जब अब बाकी भाई यार पसीना दिखाऊं, अभी तो आएगा, यो एक मनीष छप गया अड़े। ऐसा है, समझात कह रहा है कि जब थाई मारते हैं तो शरीर टूट जाता है, ये नहीं कह रहा कि आप कमज़ोर पड़ने लगते हो, अपना लास्ट देते हो, ये डेडिकेटेड वर्कआउट है, यहाँ पे ना कोई मौज मस्ती मजाक नहीं चलेगी। ये नहीं है कि चलो चीटिंग करके दो रैप और ज़्यादा, यहाँ तो डू एंड डाई वाला सिस्टम है भाई। सो वर्कआउट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। वर्कआउट तो साले इफेक्टिव हैं सारे, लेकिन दिक्कत एक है कि अभी एक और वर्कआउट है भाई, लेकिन दिक्कत एक है एक्चुअली, थाई पार्ट तो दे भाई। एक दो तीन चार ओहो पाँच छ सात आठ नौ दस। आए मरी जाऊंगा भगवान, किसा लग गए कोई कितने ले जाके, बढ़िया मसाज वसाज को वो आवा ना मसाजर वो दे दो, मैंने डर 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 डर। तो भाई वर्कआउट इंटेंसिव, एंड डाइट के अंदर में कोई चीट नहीं करना है, जो भाई फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक और डेली टिप्स देता हूँ डाइट की। एक और आज टिप्स है, ऑयली स्पाइसी स्वीट कट कर देना है। अच्छे फैट्स ज़रूरी होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, सो वो लें आप, बहुत सारे फूड्स होते हैं वो लें आप, लेकिन गंदा तला हुआ जंक फूड, ज़्यादा मीठा,
ज़्यादा चटपटा बाहर का ही है, जंक फूड वगैरह ये अवॉइड करें। टाटा गुड बाय, गया। सो जय बाबा की, लेग प्रेस पे थे, अब लेंगे एक्सटेंशन और कर्ल और फिर काप्स। बाय। थाई की लगी है वाट, और थाई आप देख ही रहे हो, नीचे लाना भाई इसको, यूपी में ये देख रहे हो दादा। तो अब हमारे गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ भाई साहब है छोरे ने, देख लो अब ये अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चालू करेगा, क्योंकि ये लीन हो गया आएगा, तो उस पर हमें तो सपोर्ट करो मत करो, इसे ज़रूर कर देना, बेचारे के पीछे खर्च करने हो रहे हैं। और भाई कैमरा आ रहा है, कैमरा। उससे अच्छी थाई लग रही है, नहीं लग रही, देखना सामने वाले की। ये क्या है? पूरा तो भाई ऐसा है, खा जाऊंगा साढ़े को। नेवर देखा भाइयों को, वो पीछे देख रहे हो ना, हरा हरा, उसको भी खा जाऊंगा एक दिन। तो भाई ऐसा है, अब करेंगे वर्कआउट लेग एक्सटेंशन और वार्म अप सेट ले लिया है, और अब है इसका सेकंड सेट, फर्स्ट भी ले चुका हूं। एक्चुअली बाहर हो रही है बारिश और वर्कआउट हमारा चल रहा हैगा, तो अभी लेता हूँ सैनिटाइजर, थोड़ा सा जरूरी है भाई, सेफ्टी मस्ट। सैनिटाइजर लेने के बाद अब देखो, सॉल्टेड पीनट, भूख लगी एक करनी, और जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो आने में लगेगा टाइम, क्योंकि जो भाई लेके आता है कहीं से बाहर से बनवा लेते हैं मैं और शमशाद, सो अभी वो टाइम लेगा लाने में, सो अभी यहीं से कर लेते हैं शुरुआत। क्या करें, एक हमने ले लिया है स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक, एंड ये आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब लेकिन अब क्या करूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है भाई। प्रोटीन प्रोटीन बाहर से आ रहा है अभी, KFC का चिकन है, मैगी है, और एक वो है रम, रम होती क्या होती है, वाइन। तो ऐसी बॉडी बनाने के लिए शमशाद चिन को फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, चिकन आम। ये बहुत ज़्यादा मतलब देख देख के तरुण वो हुतिया पे देख देख के इसके कुछ असर सा आ रहा है, तो ऐसी बातों को कोई फोकस ना करें भाई, और प्लीज़ और उसको भी मत करा करो, ऐसे कुछ नहीं होता यार, बस बस हो गया। ये देख रहे हो आप मैं कहाँ की चढ़ाई कर रहा हूँ, ये चढ़ाई है भाई मशीन पे। अब लेंगे हम हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल, और वर्कआउट बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है यार, दस ग्यारह बारह। मैं आपको सच ही बताऊं, आपके प्यार में बहुत कमी रह रही है, मेरी डेडिकेशन टूटती है, थोड़ा सा प्यार दे दिया करो। अच्छा एक चीज़ हो रहा है यार, कई वीडियो ऐसी हैं जैसे 2500 भी गई है मेरी एक वीडियो, ठीक है, एक 200-250 भी गई है, इतने तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, डबल कोई देख नहीं रहा, कुछ हेटर्स तो हैं। मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो उसमें पता चलता है कि जो नॉट सब्सक्राइबर है ना वो है हेटर्स, वो ऐसे वाला साइन भी दबाते हैं कहीं तो दबाओ दबाओ दबाओ, लेकिन करो, देखा जरूर करो मेरे भाई। जय बाबा की, अभी कर रहे हैं हम काप्स, स्टैंडिंग काप्स हैं, और स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट। ये जो सिंपल वर्कआउट है ना, तो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, इनको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, कितनी ही मॉडर्न एक टेक्निक आ जाए, लेकिन जो बेसिक वर्कआउट है उसे आप बीट कर ही नहीं सकते। स्क्वाट को रिप्लेस नहीं कर सकते आप, कितनी एक्स स्क्वाट लगा लो, कितने आप डंबल से लगा लो, कितने आप स्मिथ मशीन पे लगा लो, लेकिन जो रॉड लेके बैठ के उठने का मजा ना, वो डिफरेंट ही है। सो ऐसे ऐसे वर्कआउट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए, और मेरी बॉडी चेंजेस, अभी श्राद्ध खत्म होती, बनियान में भी आना, तो आपको दिखाना भी कि क्या फ़र्क है क्या नहीं है। 3-4 किलो वेट लूज़ हुआ है, वेट स्केल पे भी दिखाऊंगा, मैंने 86 से स्टार्ट किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के व्लॉग का करते हैं एंड, एंड प्यार दे दीजिए यार, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, अभी तो घट रहा है बढ़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बता दो कमेंट में। और इसको देखो अभी नाच रहे थे, एक हमारे चैनल पे ना एक वीडियो आ रही है होतियापे को लेके, वो कौन है भाई, वो यही है यही है यही है, सो देखें ज़रूर, थैंक यू।